हेलो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी 30 साइज के लिए 1 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं, क्रॉस पट्टी और ऊपर का पार्ट कैसे कटिंग करते हैं। एकदम सरल तरीका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो ये है 30 साइज के लिए और जो कमर होगी इसकी वो होगी 26। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लगभग 6.5 इंच की जो है ना वो कमर रहेगी मार्जिन के बाद में, सिलने के बाद में। तो 26 कमर है, 30 चेस्ट है, ये देखिए 7.5 इंच की। तो चलिए इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। यह 32 का ब्लाउज है और आगे में हम सिर्फ एक टक्स वाला बना रहे हैं। तो हम कैसे बनाएं, तो ये देखिए बेक पार्ट्स जो है ना वो कटिंग किया हुआ है और इसके बराबर में हमें आगे के पार्ट्स के लिए इस तरह से ड्रॉ करनी है। इस तरफ भी मैंने ये देखिए ये हुक और आई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये जो लाइन है, और ये जो लाइन है ये हमने 1 टक्स के लिए एक्स्ट्रा छोड़ी है, यानी 1/4 इंच और 1 इंच। और इस तरफ भी हम 1 इंच के लगभग एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और इसको नीचे तक ऐसे सीधा कर देते हैं। नीचे से भी मैंने इसको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो आगे की जो है ना पीछे का जो पार्ट्स है ये बेक पार्ट्स है, इससे हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं लंबाई में। तो 1/4 इंच पे हम इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और जो नीचे का एक्स्ट्रा उसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब मैं आपको सिंपल से एक इजी से तरीका बता देती हूँ जिससे कि आप 1 टक्स ब्लाउज आसानी से बना सको। इसको हम हटा देते हैं, जो भी आपकी नेक लाइन होगी बराबर होगी आगे या बैक साइड के लिए। तो यहाँ पे हम नेक लाइन के लिए पॉइंट लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं। यहां से हम 1/2 इंच अंदर की ओर आर्म होल की ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई हमारे आगे के आर्म होल। अब हम यहां से सबसे पहले शोल्डर से इसकी जो टक्स पॉइंट है वो देखेंगे। 30 साइज का है तो उसका 1/3 भाग होता है 10 इंच और 32 का है तो 10 होता है 10.5 इंच। इसके बाद जो हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है उसमें से 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 10.25 इंच और 1/4 इंच हो गया 11 इंच पे हम पॉइंट लगा देते हैं और ऊपर में हम 1 इंच पे एक पॉइंट और लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई है टक्स के लिए। ऊपर से हमारा टक्स पॉइंट होगा 1/4 इंच पे, ये हमारा हो गया टक्स पॉइंट। और इस तरफ से लेंगे हम 3 इंच पे, ये बिल्कुल सही हमारा टक्स पॉइंट है यहाँ पे। अब यहां से हम इसको सीधा खींच देते हैं नीचे तक, 1 इंच हम इस तरफ लेंगे और 1 इंच हम इस तरफ लेंगे और दोनों पॉइंट्स को हम इस तरफ मिला देंगे। सिर्फ एक ही डार्ट वाला ये ब्लाउज है इसलिए आपको अब इस लाइन को इस पॉइंट्स के अंदर मिलाना है, इस तरह से गोलाई लगा देंगे और इस पॉइंट्स को हम इस तरह से लेंगे, यहां से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा एक डॉट का। अब हम यहां से इसकी मार्किंग कर लेते हैं और मार्किंग करने से पहले ये जो पॉइंट है ना ये हम मिलाएंगे नेक लाइन पे। तो यहाँ पे मैं नेक ले रही हूँ 6 इंच का, इस पॉइंट को आपको मिलाना होगा इस तरह से, ठीक है। और यहां से आप इस नेक को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं गोल बना रही हूँ तो मैंने इस तरह से गोल नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना इसी पॉइंट से हम अपना मेजरमेंट लेंगे। 32 इंच है तो 8 इंच पे लीजिए, 30 इंच है तो आप 7.5 पे पॉइंट लगाइए और 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पे 30 इंच है तो मैंने 7.5 पे पॉइंट लगाया है और यहां से आपको लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 7.5 और 2 9.5 इंच पे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट आपका यहां तक आएगा, देखिए यहां से जो है ना यहां से लेकर के यहां तक आपका मेजरमेंट होना चाहिए। इस लाइन को हम कुछ इस तरह से मिला देंगे, उसके बाद हमारा मार्जिन हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा नीचे का पार्ट्स, वन टक्स के लिए ये हो गई हमारी क्रॉस पट्टी। अब पहले इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्रॉस पट्टी कटिंग करना है बता देती हूँ। छोटे साइज के लिए बहुत ही बढ़िया कटिंग है। तो हम हटा देते हैं। अब ये होगा हमारा यहाँ से यहाँ पे। अब हमें क्रॉस पट्टी कैसे कटिंग करनी है, क्रॉस पट्टी के लिए देखिए ये जो टक्स है इसको हम लगा देंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने इस टक्स को लगा दिया है आलपिन से, ठीक है। ये हमारा टक्स हो गया। अब इस टक्स को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर में, क्योंकि ऐसे ही हमें इसको सीलना है, इसके अंदर ज्वाइंट करना है। तो ये हमारी हो जाएगी नीचे की बेल्ट। यहां से देखिए एकदम सीधा रखना है और इस तरह से हमें इसको कट करना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले मैं साइड को कट कर देती हूँ, ठीक है। अब बैक पार्ट्स को मिलाएंगे। ये सिलने के बाद ये हमारा बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर में है, ठीक है। अब दोनों की जो सिलाई है ये ऊपर की साइड बिल्कुल में बराबर आएगी। जो थोड़ा हल्का हल्का एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। तरफ में भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये है हमारे दोनों की सिलाई का मार्जिन, ये देखिए ये हो गया। अब हम फिर से इसके ऊपर रखेंगे इसको और अब आप चेक कीजिए, देखिए बिल्कुल से परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी। और इस तरह से आप वन टक्स की जो ब्लाउज बनाते हो छोटे साइज के लिए कटिंग कीजिएगा, मेजरमेंट लीजिएगा और उसके बाद आपका जो है ना बिल्कुल से ब्लाउज बराबर आएगा। तो ये देखिए ये जो मार्जिन साइड है वो बिल्कुल इसके ऐसे बराबर में, जो सिम का है उसको आप नीचे दबा दें, उसके बाद इसको चेक कर लें तो आपका पार्ट्स जो है बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। आपको आज की ये कटिंग वन टक्स की कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये है साइज 30 के लिए, 30 इंच जो सीना होता है उसके लिए। और ब्लाउज की जो लेंथ मैंने रखी है वो रखी है 12.5 से 13 इंच तैयार, 12.5 से 13 इंच तैयार होगी ये सिम होने के बाद में। ये देखिए इस तरह से ऊपर का सिम का छोड़ दीजिए और नीचे का सिम का छोड़ दीजिए, ये आपकी 13 इंच की ब्लाउज बराबर में तैयार हो जाएगी।